नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी। आप सबको नमस्कार। तब तक कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर हम विषय को शुरू करेंगे। आदिश टोंगिया जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी, ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ इंदौर, और अभी कोविड वॉर रूम समन्वयक की भूमिका में हूँ। वर्तमान में मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में समूह निदेशक और प्रोफेसर के पद पर हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में इंदौर महानगर में महानगर संपर्क प्रमुख का दायित्व है, और इस समय राष्ट्रीय कवि श्री राकेश दांगी जी के फेसबुक पेज से मैं लाइव हूँ। और जैसा कि सभी अधिकारी भी मेरे इसमें जुड़ रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, तो आदिश टोंगिया जी को नमस्कार, हमारे सौरभ पारिक जी को नमस्कार, तो सारे हमारे अधिकारी भी जुड़ रहे हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस समय राष्ट्रीय कवि श्री राकेश दांगी जी के फेसबुक पेज पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। जो विषय मुझे मिला है वो बड़ा ही ज्वलंत विषय है, और हम सब इस विषय से काफ़ी वाकिफ हैं, और सबके संज्ञान में है कि समूचा विश्व इस समय कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, जूझ रहा है। भारत भी उन्हीं में से एक है। अश्विन मोदी जुड़ चुके हैं, भाई सुबोध कांजे जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। राकेश जी दांगी राष्ट्रीय कवि, आपका कमेंट इसमें मिला है बॉक्स में, बहुत ही मैं आभारी हूं कि आपके सोशल मीडिया पेज से मुझे विषय रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। करण जी को राम राम, सबको प्रणाम। मुझे विषय मिला है, विषय पे आता हूँ मैं सीधा, क्योंकि 15 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। जैसे जैसे आप लोग इस टॉक को या इस लाइव को शेयर करते जाएंगे तो अधिक से अधिक युवाओं तक संदेश पहुंचेगा, और निश्चित ही कवि राष्ट्रीय कवि श्री राकेश दांगी जी का भी यही विश्वास होगा और यही उनकी मंशा होगी कि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, ताकि युवाओं में एक ओज और एक लहर दौड़े और राष्ट्र सेवा के प्रति वो समर्पित हो सक पाए। तो यह आह्वान राष्ट्रीय कवि श्री राकेश दांगी जी के कहने पर उनके फेसबुक लाइव पर मैं विषय रख रहा हूँ। आप लोग इस लाइव के दौरान अपना जो अपने जो प्रश्न होंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि प्रत्येक प्रश्न का मैं उत्तर दे सक पाऊँ, और निश्चित ही यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पे जुड़ी हुई है, मुझे देख रही है, और जो मेरी मातृ संगठन है, मेरा मातृ संगठन है, तो यह मेरे लिए गर्व का विषय है। और भाई श्री राष्ट्रीय कवि राकेश दांगी जी ने मुझे इस फेसबुक लाइव करने का अवसर दिया और मुझे विषय रखने के लिए कहा, यह भी मेरे लिए गर्व का विषय है। तो पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अब जो लोग जुड़ते जाएंगे मैं उनको अभिवादन करता जाऊँगा, और साथ ही साथ मैं अपने विषय पर भी आगे बढ़ता जाऊँगा। मुझे 30 से 40 मिनट का समय मिला है और उसके अनुसार मैं अपने विषय को रखता जाऊँगा। सर्वप्रथम जो कोविड वार रूम की जो इसमें परिकल्पना की गई है कि कोविड-19 में युवाओं की सहभागिता या युवा किस प्रकार इसमें जुड़ा हुआ है, और युवाओं का किस प्रकार सहयोग हमको इसमें मिल रहा है, और किस प्रकार युवाओं ने मिलकर इस महामारी से संघर्ष करने की ठान ली है, और उसमें किस प्रकार विभिन्न संगठनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और के रूप से की तरफ से भी और अन्य संगठनों की ओर से भी किस प्रकार युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और इसे इस लड़ाई को जीतने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं, और शीघ्र ही इंदौर और भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा, इसी भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कोविड वार रूम जो है वो इंदौर के कलेक्टर, नव निर्वाचित कलेक्टर मैं कहूँगा, श्री मनीष सिंह जी की परिकल्पना है, और उन्होंने जैसे इंदौर में कार्यभार संभाला, कार्यभार संभालते ही उन्होंने युवाओं को संपर्क करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को और
चूंकि मैं इंदौर का ब्रांड एम्बेसडर भी रहा हूँ स्वच्छ इंदौर में, अभी भी हूँ, तो मुझे भी संपर्क किया गया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की टीम को संपर्क किया गया और ये कहा गया है कि आप सब इसमें इस महामारी में, चूंकि हम राष्ट्रवादी संगठन हैं और हम राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं, राष्ट्रीय कवि श्री राकेश दांगी जी भी राष्ट्रवादी कविताओं के लिए जाने जाते हैं और देश विदेश में उनकी कविताओं के चर्चे हैं। आदरणीय श्री सचिन शर्मा जी जुड़ चुके हैं जो हमारे अभिभावक हैं और इनके मार्गदर्शन में हम सारा बहुत सारा काम कर रहे हैं और सचिन शर्मा सर का जो मैं कहूँ कि स्वच्छता में भी बड़ा योगदान रहा है, मैं उनके मार्गदर्शन में ही ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्यरत हूँ और उनका समय समय पर जो मुझे सुझाव और मिलते रहता है या जो भी गाइडेंस मुझे मिलता रहता है जिससे मुझे मेरे मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है और मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, तो मैं आदरणीय डॉक्टर सचिन शर्मा जी को भी प्रणाम करता हूँ। और भी लोग इसमें जुड़ रहे हैं, भरत भूषण शुक्ला जी सोशल मीडिया से जुड़ चुके हैं, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अहिरक्षत यादव जुड़ चुके हैं, आप सबका स्वागत है। तो युवाओं की भूमिका पे मैं चर्चा करना चाह रहा था कि मैं एक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ हूँ जिसके जो मार्गदर्शक हैं, जिसके जो प्रणेता है, जिसके जो प्रेरक व्यक्तित्व है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी से प्रेरित होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन काम करता है और मैं भी चूंकि संगठन का भाग हूँ, एक छोटा सा अदना सा हिस्सा हूँ, तो मैं भी स्वामी विवेकानंद जी के जो भाव हैं, उनके जो उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो लर्निंग्स है या उनके बताए गए जो मार्ग हैं उस पर ही चलता रहता हूँ और प्रयास करता हूँ कि मैं उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए युवाजनों जागो जगाओ। क्षमा करें, शायद लाइव में व्यवधान आ गया था, आप शायद आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप एक बार कंफर्म करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे शायद आप मुझे सुन सकता रहे हैं, तो ये तकनीकी समस्याएं हैं जो कि प्रायः होते रहती हैं और हमने देखा भी है कि ऐसे कई अवसर आते हैं जहाँ पे जब कोई महत्वपूर्ण विषय चल रहा होता हो या कोई भी विषय होता हो तो कई बार तकनीकी आधारों पे हम जैसे हम भी आधारित हैं तो अगर तकनीकी में समस्या आती है तो समस्याएं आ भी जाती हैं। इसी प्रकार इस तकनीकी समस्या को हम अभी झेल रहे थे और अब फिर से मैं दोबारा लाइव आपके समक्ष आ चुका हूँ। तो मैं चर्चा कर रहा था कि हम किस प्रकार, जितेंद्र तलरेजा सर जुड़ चुके हैं, आपको प्रणाम, आपका स्वागत है, हमारे अधिकारी हैं, आपका स्वागत है। और इस प्रकार युवाओं की भूमिका जो COVID-19 है उसमें किस प्रकार इंदौर की सुरक्षा के लिए या इंदौर की रक्षा के लिए, इंदौर की जनता की रक्षा के लिए किस प्रकार संगठन, युवा संगठन जुड़ा हुआ है, वो उसके बारे में मैं चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। जब मैं चर्चा कर रहा था कि जब इंदौर के नवनिर्वाचित कलेक्टर श्री मनीष सिंह जी जब इंदौर आए तो उनसे जो चर्चा हुई उसके अनुसार उनका ये कहना था कि जिस प्रकार स्वच्छता अभियान में आप लोगों ने किया है ठीक उसी प्रकार एक वॉर रूम की आवश्यकता पड़ेगी और जिस वॉर रूम में आप सब मिलके और इंदौर को जैसे आपने स्वच्छता में नंबर एक बनाने के लिए प्रयास किया ठीक उसी प्रकार COVID-19 को मिटाने के लिए और कोविड की से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए या अन्य जो समस्याएं जनमानस में फैली हैं उनके समाधान के लिए कोविड के चलते उसके उन समस्याओं के समाधान करने के लिए इस वॉर रूम को चलाना पड़ेगा, इस वॉर रूम को काम करना पड़ेगा। तो यह हम लोगों के लिए गर्व का विषय था कि कहीं ना कहीं राष्ट्र सेवा का अवसर मिल रहा है। हम तो ये स्वयं को धन्य मानते हैं कि अगर राष्ट्र सेवा का अवसर मिलता है तो यह ऊपर से या परमपिता की ओर से एक आदेश होता है या भारत भारती की ओर से, माँ भारत भारती की ओर से एक आदेश होता है और उसे सहर्ष स्वीकार करना एक राष्ट्रवादी युवा संगठन और राष्ट्रवादी युवा का कर्तव्य बनता है। तो सहर्ष हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया, इस चुनौती को स्वीकार किया और जैसे कि स्टूडेंट वॉलेंटियर्स कुछ मेरे साथ जो स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, नीरज मिश्रा जी हैं जो भी IIM इंदौर में हैं, भरत भूषण शुक्ला जी हैं जो प्रेस्टीज में डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में हैं, अक्षत अहिर यादव हैं जो कि इस समय प्रेस्टीज में हैं और इस प्रकार भरत भूषण शुक्ला जी हो गए और आप देखें पुनीत तिवारी जी हैं जो IIMS DAVV के छात्र हैं। तो इस प्रकार कई लोग हैं जो वृद्धि दोषी हैं जो बेंगलुरु से पढ़ के आई हैं और पहले इंदौर की छात्र रह चुकी हैं, तो कई लोग यहाँ पे जुड़े जो जिन्होंने स्वच्छता अभियान में अपनी अपनी ओर से एक आहुति दी थी उन लोगों का फिर ये टीम बनी चुकी है। इसमें समस्या थी कि हमें सामाजिक दूरी बना के रखना था, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना था और ये महामारी ऐसी थी कि हमें पता नहीं है कि कैसे हो सकती है, तो हम मास्क वगैरह पहन के, ग्लव्स वगैरह पहन के हम किस प्रकार तरह और कहाँ से बीमारी कैसे हो रही है इसके बारे में कोई पता नहीं था। आदिश टोंगिया जी फिर से जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। DS बालाजी जुड़ चुके हैं, जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। तो इस समय लगभग 7 लोग देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक इस पोस्ट को या इस लाइव को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट मिल सक पाए और COVID-19 में इंदौर की जर्नी कैसी रही है, कैसी चल रही है उसके बारे में समूचा राष्ट्र या समूचा विश्व अवगत हो सक पाए। तो मैं जब चर्चा कर रहा था कि किस प्रकार इस टीम ने काम करना शुरू किया और हमें कलेक्टर हेल्पलाइन जो है उसको चलाने का काम दिया गया, उसके पहले जो
वार रूम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क हमको मिलते हैं, अलग अलग तरीके के टास्क मिलते हैं, अलग तरीके के काम मिलते हैं। सबसे पहले हमें काम मिला कि जितने लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है, जितने लोगों का विदेश गमन हुआ है या विदेश से इंदौर आगमन हुआ है, उन लोगों की हिस्ट्री पे हमको काम करना है। उन लोगों का जो इतिहास है कि किस किन देशों में गए हैं, आने के पश्चात किन किन लोगों से मिले हैं, कहाँ कहाँ पे संक्रमण की संभावना हो सकती है, उसके बारे में पहले हमने चर्चा की। और उस बारे में फिर एक टीम बनी जो कि जी जितेंद्र तलेजा सर का मैसेज आया, कोरोना वार रूम में आप सभी योद्धाओं को मेरी ओर से प्रणाम करता हूं। आपको भी प्रणाम, आप सब आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं और निश्चित ही आपकी प्रेरणा से ये सब हो रहा है, क्योंकि संगठन ने हमें सिखाया है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसी ध्येय वाक्य को लेकर हम लोग इसमें चढ़े हुए हैं और युवाओं की जो टीम है उसमें राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए, कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए और फिर से देश को मजबूत बनाने के लिए कार्यरत है। निश्चित ही आपका यह आशीर्वाद हमारे काम आएगा और हम इस महामारी से उभरेंगे, इस पे जीत हासिल करेंगे। तो जैसे ही डॉक्टर्स की टीम उसमें हम जब हमको मिला, काम मिला, तो उसमें जितने लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री थी उसके ट्रैवल हिस्ट्री पे काम करना था। लगभग 5000 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री हमको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिला और जिसमें इंदौर एयरपोर्ट से हमको डेटा मिला है और जिसपे हम लोगों ने उस पर कॉल किया, उन लोगों का कहाँ कहाँ पे उनका मिलना हुआ, कहाँ कहाँ जुलना हुआ, किन किन पार्टीज में गए, इस तरीके की चीज़ों की एक डेटा बनाई गई और उसके ऑनलाइन जो गवर्नमेंट का पोर्टल है उस पर अपलोड किया गया। यह पहला टास्क था जिससे कि हम कोरोना की नाकाबंदी कर सक पाएं और जान सक पाएं कि असल में समस्या कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि बिना जाने समस्या के लिए संघर्ष करना या उसकी उपचार की व्यवस्था करना ये एक अंधेरे में तीर मारने जैसा होता। तो सरकार ने चारों तरफ से नाकेबंदी करने का प्रयास किया जिसमें युवा संगठन को एक अच्छा मौका मिला और हम युवाओं को एक अच्छी प्रेरणा मिली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो टीम रही उसको भी अच्छा मौका मिला। सौरभ पारिक सर का इसमें मैसेज आ रहा, पुनीत जी आप बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं, आपकी और आपकी टीम धन्य है। धन्यवाद सर, प्रणाम आपको और मैं खुद आपकी टीम का हिस्सा हूं, मेरे लिए गर्व का विषय है कि आप जैसे मार्गदर्शक यहां पे जुड़े हुए हैं और आप सबके मार्गदर्शन से ही ये संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। भाई सुबोध कांजी जुड़े हुए हैं, आपको भी नमस्कार। आदिश टुंगिया जी भाई साहब कह रहे हैं, पुनीत सर वार रूम के सभी योद्धाओं को प्रणाम, आपको ही प्रणाम। वार रूम में हमें चूंकि सौभाग्य मिला है कि हमें काम करने का मौका मिला था, हम काम कर रहे हैं उसमें, तो यहाँ पे आप देखें कि वो उस डेटा पे काम करने के बाद से जो नया हमें काम मिला वो था कलेक्टर हेल्पलाइन। कलेक्टर हेल्पलाइन में दिन रात फोन आते थे और विभिन्न समस्याओं को लेकर फोन आते थे। समस्याएं कुछ ऐसी थी जैसे कि खाने पीने की समस्या है, किसी को राशन नहीं मिल रहा है, किसी को एम्बुलेंस की आवश्यकता है, किसी को कहीं जाना है तो उसको ई पास की आवश्यकता है। सरकार ने वो सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी परंतु चूंकि समस्या में पूरा शहर था तो नंबर ऑफ कॉल्स बहुत ज्यादा आते थे, अधिक कॉल आते थे। तो 30 लोगों की टीम एक बनाई गई जिसको 3 शिफ्ट में काम करने के लिए लगाया गया और तीनों शिफ्ट में किस प्रकार से जैसे आवश्यकता पड़ी उसके हिसाब से काम करना शुरू किया गया और लोगों की समस्याओं को उसका समाधान करने का प्रयास किया गया और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको लिंक करते गए थे कि जो भी समस्या, अगर फूड से संबंधित समस्या है तो नगर निगम को कॉल फॉरवर्ड कर देना है और नगर निगम उस समस्या का समाधान देखेगा। अगर कोई हॉस्पिटल से संबंधित इशू है तो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट को देना है और अगर एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो ओला एम्बुलेंस को हमें कनेक्ट करना है। इस प्रकार शव वाहन की अगर आवश्यकता कहीं पड़ती है तो हमें शव वाहन के लिए भी व्यवस्था करनी है। ई पास के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का जो पोर्टल है उस पोर्टल पर लिंक करना और भोपाल का जो फोन नंबर है वो फोन नंबर सबको शेयर करना ताकि लोगों को असुविधा न हो। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए यह वार रूम आगे बढ़ा। भाई श्री राकेश दांगी जी, राष्ट्रीय कवि, आपके फेसबुक पेज से मैं इस समय लाइव हूँ, मेरे लिए गर्व का विषय है। और राकेश दांगी जी राष्ट्रवादी कवि हैं, राष्ट्रीय विचारधारा के कवि हैं और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने कविता पाठ, विभिन्न राष्ट्रीय कवियों के साथ कविता पाठ आपने किया है, यह हम लोग के लिए गर्व का विषय है। और आपका यहाँ पे एक संदेश आ रहा है कि आपकी समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आदिश टुंगिया जी लिख रहे हैं, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जीत जाएगा इंडिया, निश्चित ही जीत जाएगा इंडिया। सौरभ शर्मा जी लिख रहे हैं, नमस्कार सर प्रणाम, आपको भी प्रणाम। तो एक युवाओं की टीम जुड़ी है और ये टीम इसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो मैं अपने अगले टास्क पे आऊंगा कि जब कलेक्टर हेल्पलाइन के बाद से जो दूसरा टास्क था वो उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज थी जिसमें इंदौर के सभी डॉक्टरों से संपर्क करना था। डॉक्टरों से संपर्क करने के बाद से डॉक्टरों से निवेदन करना था कि आप अपने डेटाबेस में जो भी पेशेंट्स हैं उन सारे मरीजों, उन सारे पेशेंट्स को आप फोन लगाएं और कम से कम 25 से 30 पेशेंट्स की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें और प्रतिदिन आप 25 से 30 लोगों को कॉल लगाएं और उनकी समस्याओं का समाधान करें ताकि उनका हॉस्पिटल आना न हो, क्योंकि घर बैठे बैठे लॉकडाउन 1.2 और 2.2 के दौरान जो लोगों को समस्याएं आई थी क्योंकि लोग घर में बैठे थे, उनको बाहर जाने का मौका नहीं मिला था, तो विभिन्न अन्य प्रकार की बीमारियां भी उनको होने लगी थी या तकलीफें होनी शुरू हुई थी, जैसे हेडेक होना शुरू हुआ है या अन्य जो गैस्ट्रिक के जो पेशेंट हैं उनको वो समस्याएं, कोई बीपी के पेशेंट हैं, अलग अलग समस्याओं से लोग जूझ रहे थे। तो जनता ने भी बहुत सपोर्ट किया है और लॉकडाउन का बड़ी ईमानदारी से पालन किया, ये हमने इंदौर में देखने को हमें मिला है।
तो यहाँ पे उन समस्याओं के समाधान के लिए जो नॉर्मल जो नॉन कोविड डिजीजेस हैं, नॉन कोविड जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को समाधान करने के लिए डॉक्टर से निवेदन किया गया कि अब आप अपने डेटाबेस से पेशेंट्स को कॉल करें और पेशेंट से पूछें कि आपको कोई समस्या है क्या, और जब उन्हें कोई समस्या होती है तो हमें टेलीमेडिसिन के माध्यम से या व्हाट्सएप कॉल करने की भी सुविधा दी गई कि आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके भी देख लें, इंस्पेक्शन कर लें कि कहीं गले में थ्रोट में कहीं प्रॉब्लम हो, मुंह में कहीं प्रॉब्लम, जहां भी है वो पेशेंट को देख के आप जान सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जिला प्रशासन ने की और वो यह काम जो है हम लोगों के माध्यम से हुआ और हम लोगों ने सारे डॉक्टर्स को डेटाबेस पहले क्रिएट किया, क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्टर्स का डेटाबेस नहीं था। हम लोगों के पास अलग अलग हॉस्पिटल से कुछ डायरेक्टरीज मिली जिसमें डॉक्टर्स के नाम और उनके पते, उनके फोन नंबर थे। तो सबसे पहले वार रूम की टीम ने दिन रात एक करके उस डेटा को एक्सेल में रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद से फिर हम उनको प्रॉपर कॉलिंग करते थे, उनको मैसेज शूट करते थे कि एवरी डे यू हैव टू कॉल 25 or 30 पेशेंट एंड यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट टू अस, और वो लोग करते भी थे। डॉक्टर्स आज भी हम देख रहे हैं कि रोज डॉक्टर्स के जो कॉल्स हैं कि आज हमने 25 पेशेंट को कॉल किया, उसमें कोई भी कोविड पेशेंट नहीं था या उसमें कोई भी खांसी सर्दी की समस्या किसी को नहीं थी, इस तरीके से जो भी रिमार्क के साथ डॉक्टर्स हमको भेजने लगे। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम था। इस समय श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं, आपको प्रणाम। आप करण सोनकर जी एबीपी से जुड़ चुके हैं, वैश्विक महामारी में आपकी टीम का कार्य सम्मानजनक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कवि मुकेश शांडिल चिराग जी जुड़ चुके हैं, भारत माता की जय वंदे मातरम भाई साहब आपको भी। तो ये जो दूसरा महत्वपूर्ण मैं ये जो काम था ये मैंने आपको बता दिया, दूसरा नहीं तीसरा था। उसके बाद से जो अगला महत्वपूर्ण काम आया कि जो भी कोविड की सैंपलिंग हुई है, उस सैंपलिंग जो भी सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं उन सैंपल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे और मध्य प्रदेश शासन के पोर्टल पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के थ्रू हमने उसको कैसे डेली बेस पे उसको अपडेट करना है ताकि हमको रियल टाइम में ये मिल सक पाए, डेटा मिल सक पाए कि कितने सैंपल गए हैं, कितने सैंपल्स का टेस्ट हुआ है, कितने टेस्ट का रिजल्ट आया है, कितने रिजल्ट हमने लोगों को बताए हैं। तो ये एक तरीके से एक रियल टाइम में काम था, युद्ध स्तर का काम था, जो कि वार रूम की टीम ने बड़े ही मेहनत के साथ 24/7 अपनी अपने को असुरक्षित फील नहीं करके और इस मैदान में कूद पड़े, और उन्होंने पूरी सुरक्षा के साथ और पूरे अपने राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने ठीक तरीके से बखूबी निभाया। जो अगला जो महत्वपूर्ण काम है अब वो फील्ड सर्वे है कि फील्ड सर्वे में पूरी टीम जा रही है, जिसमें लगभग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 70 के आसपास स्वयंसेवक उसमें लगे हुए हैं, 50 अन्य स्वयंसेवक भी लगे हुए हैं, और जो हम सभी लोग मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। और इस समय अलग अलग जो नॉन कोविड एरियाज हैं वहाँ पे फ्लैट्स जो हैं उन सारे फ्लैट्स में जो निरीक्षण किया जा रहा है, वहाँ पे इंस्पेक्शन किया जा रहा है, वहाँ पे लोगों से मिला जा रहा है, मिलने के बाद उनसे पूछा जा रहा है। जो भी COVID-19 ऐप है जो कि नगर निगम इंदौर और जिला प्रशासन इंदौर द्वारा दी गई है, उस ऐप के द्वारा किस प्रकार हम लोगों का डेटा उसमें फीड कर रहे हैं, हम घर घर जा रहे हैं और स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार लोग हैं और लोग कैसे डरे सहमे हैं, और उनसे हम फिर उनसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपके यहाँ कोई कोविड से सिम्टम से ग्रसित है क्या, या कोई ऐसी समस्या आपको आसपास में जान पड़ी है क्या। तो ऐसे कई लोगों के अच्छे रेस्पॉन्स मिल रहे हैं, और शहर के जितने भी मल्टीज हैं या जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, जितने भी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उन सारे हाउसिंग सोसाइटीज में ये जो टीम है ये बड़ी ही तन्मयता के साथ, बड़े ही मनोयोग के साथ अपनी सेवा दे रही है। ये पूरी जो है ये सेवा है जो राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए युवा शक्ति इस समय कर रही है, युवा तरुणा इस समय कर रही है। ये हमारे देश का सौभाग्य है, हमारे नगर का सौभाग्य है कि हमें जब जब आवश्यकता पड़ी है, चाहे आप स्वतंत्रता संग्राम ले लें या आज की स्थिति ले लें, जब जब आवश्यकता पड़ी है युवा समुदाय हमेशा खड़ा रहा है और देश और समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहा है। यह हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। सिद्धार्थ सुराणा जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। सिद्धार्थ सुराणा खुद मेरी टीम के हिस्से हैं और इस समय ये फील्ड सर्वे कर रहे हैं। सौरभ शर्मा जी खुद फील्ड सर्वे कर रहे हैं, इसमें टीम के हिस्से हैं, आपका स्वागत है। आपका मैसेज आ रहा है। माननीय श्री मनोज कांत जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है, सादर प्रणाम। आप सबके मार्गदर्शन और से सीख मिलने के पश्चात ही हम सब ये कर सक पा रहे हैं। अक्षत अहिर यादव जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। तो इस प्रकार हम फील्ड सर्वे में लगे हुए हैं। जब हम फील्ड सर्वे पे जा रहे हैं तो हमें जो कुछ चीजें बताई गई हैं नगर निगम इंदौर के द्वारा और जिला प्रशासन इंदौर के द्वारा, हमें सुरक्षित रहने का, सुरक्षित बचे रहने का भी जो है एक तरह की ट्रेनिंग, एक तरह का प्रशिक्षण दिया गया, जहां पे हम ग्लव्स वगैरह का भी जिसे हमें ग्लव्स वगैरह बांटे गए हैं कि हमको ग्लव्स पहन के ही रहना है, हमें सैनिटाइजर वगैरह दिए गए हैं तो हमें सैनिटाइजर का उपयोग ही करना है। तो अगर हम अलग अलग घरों में जा रहे हैं तो हम सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, और मास्क हमारे पास सबके पास है तो हम मास्क लगाएंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं जो हम स्वयं सुरक्षित होकर देश और समाज की सुरक्षा को बचा सकते हैं, देश और समाज को सुरक्षित कर सकते हैं। तो अगर हमें लड़ाई लंबी लड़नी है तो हमारी तैयारी भी ठीक ठाक होनी चाहिए। युवा समुदाय ने इसे बहुत ठीक तरीके से समझा है।
और चूंकि हम राष्ट्रवादी संगठन के हिस्से हैं और राष्ट्रवादी संगठन से प्रेरित हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा है के हैं, तो हमारे लिए देश प्रथम है और राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हम इस समय देश और समाज के पुनर्निर्माण के लिए, इस महामारी से बचने के लिए हम तत्पर हैं और अपनी सेवाएं राष्ट्र धर्म का निर्वहन करने के लिए दे रहे हैं। इस समय पुनीत तिवारी जी जुड़ चुके हैं। पुनीत तिवारी जी, आपका स्वागत है। पुनीत तिवारी जी खुद मेरी टीम के हिस्से हैं और इस समय पूरे लगभग एक महीने से अधिक का समय हो गया जब हम लोग इस वॉर रूम में अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ऑफ द रिकॉर्ड ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारी तैयारी कैसी है आपको जानना जरूरी है। हम अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं, हम जो भी आयुर्वेदिक औषधियां हैं उनका सेवन करते हैं ताकि हम बचे रहें और हमारे साथ कोई ऐसी घटना ना हो जाए, क्योंकि ये पूरा जो खेल है वो इम्यून सिस्टम का है। अगर हमारी इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग है, रोग से प्रतिरोध क्षमता हमारी स्ट्रांग है, तो हम युद्ध लड़ सकते हैं और हम इस कोरोना को हरा सकते हैं। आदरणीय सचिन शर्मा सर का इसमें कुछ मैसेज आया है, ऐसे समय जब नौकरी वाले सभी लोग कार्य करने इसमें झिझक रहे हैं, आपने कैसे इतने सारे स्वयंसेवक वॉलंटियर्स को जोड़ा, कृपया बताएं। सर, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। सचिन शर्मा सर का हमेशा मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा का विषय है कि मेरे अग्रज के रूप में है और जहां जहां मैं फंसता हूं या जहां जहां मुझे लगता है कि अब मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा या ये मेरे लिए कृष्ण और अर्जुन जैसी स्थिति जब बनती है तो वहां पे डॉक्टर श्री सचिन शर्मा जी मेरे लिए मार्गदर्शक के रूप में रहते हैं। ये हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिवार के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वरिष्ठ अभिभावक के रूप में हैं। तो आपका समय मैं लेता रहता हूं और मुझे मिलता भी रहता है, आपका सहयोग मुझे मिलता रहता है। इसमें जो सबसे पहले स्वच्छता की टीम जो थी, जो जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में मेरे साथ काम किया था, उनको मैंने पहले गूगल फॉर्म हम लोगों ने क्रिएट किया और गूगल फॉर्म के माध्यम से उन लोगों तक भेजा, क्योंकि सबसे मिलने का कोई अवसर नहीं था। हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे थे इसलिए हमें सबसे मिलने का कोई अवसर नहीं था, तो तकनीकी का उपयोग किस प्रकार करके हमने लोगों को इकट्ठा किया और गूगल फॉर्म के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचनाएं जगह जगह प्रेषित की गई और प्रेषित करने के पश्चात वहां से जिन लोगों ने राष्ट्र सेवा का मंत्र लिया, जो इस महाअभियान में जुड़े, उनका हमने एक एक्सेल शीट बनाया, उनका डेटा रेडी किया, उनसे फोन पे बात की, उनसे निवेदन किया कि इस तरीके का काम रहेगा, संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है और आपको सुरक्षित भी रहना है और इस युद्ध में अपनी सहभागिता भी दर्ज करनी है। तो लोगों ने, जो पुराने लोग थे जो जिन्होंने स्वच्छता में काम किया था, घर घर जाके जिन्होंने गली गली में जिन्होंने झाड़ू लगाए थे, जिन्होंने ODF में ओपन डेफिकेशन फ्री करने में जहां जगह जगह डब्बे बजाए थे और पत्थर खाए थे, उन लोगों ने संघर्ष के इस मुहिम में अपनी सहभागिता दर्ज की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मैं खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं, यह मेरे लिए गर्व का विषय है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरे प्रेरणा का सबसे बड़ा केंद्र है और आप सब मेरे मार्गदर्शक हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से भी एक बहुत बड़ी टीम, लगभग 70 स्वयंसेवकों की टीम इसमें मिली और जो फील्ड सर्वे के लिए हमारे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो वार रूम में डे 1 से पहले दिन से ही, जब ये वार रूम बना, तो मैं स्वयं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का महानगर संपर्क प्रमुख के दायित्व में हूं और मुझे समन्वय करने का ये एक कर्तव्य मिला, दायित्व मिला। मेरे साथ रहे भरत भूषण शुक्ला जी, जो कि वर्तमान में महानगर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में महानगर के सोशल मीडिया के सह प्रभारी हैं और वो इस समय इसमें जुड़े रहे और डे 1 से ही मेरे साथ जुड़े रहे। तो इस प्रकार मैं देखता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो कि बिहाइंड द सीन बहुत बड़ा रोल रहा है और हमें प्रमोट करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मैं खुद इस संगठन से जुड़ा हुआ हूं, मेरे मोटिवेशन का सबसे बड़ा केंद्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। तो मैं तो यही मानता हूं कि आप सबकी प्रेरणा से, आप सबके सहयोग से और निश्चित ही 70 वॉलंटियर्स का जो सहयोग मिला उसके आधार पर हम लोगों ने और अन्य लोगों को भी मोटिवेट किया और एक बहुत बड़ी 120 की सेना बनी और यह सेना इस समय वर्तमान में काम कर रही है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हम अपना फील्ड सर्वे कर रहे हैं और वॉर रूम भी उसी प्रकार से चल रहा है और अलग अलग बीच में टास्क आते हैं कि अचानक 1-2 घंटे हमें टास्क मिलता है कि ये 3 घंटे के अंदर पूरा करना, ये 4 घंटे के अंदर पूरा करना होता है, जिसमें तकनीकी सपोर्ट लगता है। तो हम गूगल फॉर्म के माध्यम से कई ऐसे इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल से भी जुड़ते हैं जो सेवा करना चाहते हैं और ऐसे IT प्रोफेशनल, बैंकिंग प्रोफेशनल, कई NGO के लोग, कई आर्टिस्ट हमसे जुड़े और जो आकर इस सेवा, इस यज्ञ में अपनी ओर से जिन्होंने आहुति दी, तो यह मेरे लिए गर्व का विषय है। निश्चित ही मैं आप सबके प्रश्नों का उत्तर दे सक पा रहा हूं। मेरे लिए गर्व का विषय है कि मेरी माता जी भी ये लाइव देख रही हैं, श्रीमती कामना द्विवेदी जी। तो यह मेरी माता जी को मैं प्रणाम करता हूं कि आप इस समय मेरे लाइव को देख रही हैं और निश्चित ही आप मुझ पर गर्व कर रही होंगी। मेरे लिए गर्व का विषय है कि मेरी माता जी ये लाइव देख रही हैं। तो कवि श्री राकेश दांगे जी की ओर से आया है कि हास्य व्यंग के बड़े कवि भैया मुकेश जी शांडिल्य का हृदय से स्वागत। मुकेश जी को मेरे ओर से ये प्रणाम और आप सबका स्वागत है। विभा शुक्ला जी जुड़ रही हैं, आप सबका स्वागत है। ऋषिपाल कुमार यादव जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। अंकुर जोशी जुड़ चुके हैं, आप मेरे साथ सहकर्मी हैं, हम लोग साथ में एक ही कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो मेरे मित्र हैं। अंकुर जोशी जी, आपका स्वागत है। तो इस प्रकार युवा किस प्रकार आगे बढ़ता है और देश और समाज के लिए अपने
अपने अपने दायित्व को वो अपने उत्तरदायित्व को समझता है और उसमें पूरी सुरक्षा के साथ आगे बढ़ता है। मैडम संगीता द्विवेदी जुड़ चुकी हैं, आपका स्वागत है। आप भी मेरे साथ सहकर्मी हैं, हम एक ही महाविद्यालय में साथ में पढ़ाते हैं, तो यह मेरे लिए गर्व का विषय कि आप लोग इसमें सुन पा रहे हैं और हम अपनी बातों को यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले, और मैं भाई श्री कवि श्री राकेश दांगी जी के फेसबुक पेज पर, यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि भाई श्री राकेश दांगी जी के फेसबुक पेज पर मुझे लाइव आने का अवसर मिला है और यह एक मेरे लिए आदेश के समान था और मैंने इसे सौर स्वीकार किया। और सौरभ पारिक सर का इसमें एक मैसेज आया है कि वॉलेंटियर्स को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। अब चूंकि मैं ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ हूं और आप सबसे जुड़ा हुआ हूं, तो हमें मोटिवेट करने का, और टीचर हूं प्रोफेशन से, मैं एक टीचर हूं, मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में मैं निदेशक के रूप में हूं और प्रोफेसर के रूप में हूं, तो यह मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि टीचर जो होता है वो सामान्य नहीं होता है, शिक्षक सामान्य नहीं होता। आचार्य चाणक्य की जो पंक्ति है कि शिक्षक सामान्य नहीं होता है, प्रलय एवं निर्माण दोनों इसकी गोद में पलते हैं। ये समय निर्माण का है और निर्माण के लिए हम जिन जिनको साथ में जोड़ सक पाते हैं, तो शिक्षक को बड़े आसानी से निर्माण करना आता है। अगर वो प्रलय कर सकता है तो निर्माण भी कर सकता है। इस समय हम निर्माण में लगे हैं और अपने जो भी टीचिंग स्किल्स है या जो भी कन्विंसिंग पावर है उसके माध्यम से लोगों से हम जुड़ सक पा रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स से जुड़ सक पा रहे हैं। स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा समुदाय है जो इस अभियान में मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। यह मेरे लिए गर्व का विषय है। मुझे अपने उन स्टूडेंट्स पर गर्व है जो इस समय माँ भारती की सेवा करने के लिए तन मन धन से जुड़े हुए हैं। हम कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सेवाएं अपने ओर से दे रहे हैं, हम अपना डीजल पानी सब कर रहे हैं। शासन की ओर से कभी बार भोजन मिलता है तो भोजन की व्यवस्था वहां तो हो जाती है, बाकी हम पूरा समय 24/7 समाज के लिए दे रहे हैं। भाई श्री आदिष्ट टोंगिया जी का संदेश है, एक मैसेज है, एक प्रश्न है, वार रूम किस प्रकार से इस महामारी में अपना योगदान दे रहा है। यह तब से मैं यही बता रहा हूं कि वार रूम जो है विभिन्न टास्क है। वार रूम का मतलब होता है युद्धकाल की स्थिति में कोई चीज ऐसी बनी टेलर मेड नहीं होती है, या आप उसको रियल टाइम में आपको एक्ट करना होता है, कोई चीज बनी बनाई नहीं होती है। क्योंकि आपको अचानक आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेटा मांगा है, इसको अपलोड करना है, तो 50 लोगों की टीम बैठ जाती है, फटाफट डेटा को अपलोड करना एक्सेल पे या गवर्नमेंट के पोर्टल पे करना शुरू करती है। फिर आता है कि फील्ड सर्वे करना है, हमको 120 लोग चाहिए, अचानक गूगल फॉर्म क्रिएट किया जाता है, लोगों में सर्कुलेट किया जाता है, लोगों को नेहरू स्टेडियम बुलाया जाता है, वहां पे आप भी आ चुके हैं और वहां पे आने के बाद से सबकी ट्रेनिंग होती है और अगले दिन से वो काम पे लग जाते हैं। तो वार रूम में इस प्रकार का काम है। और भी जो लोगों की समस्या है, जो कलेक्टर हेल्पलाइन पे लोग फोन करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान के लिए विभिन्न डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट्स को हम लिंक करते जाते हैं ताकि उनकी समस्याओं को सुना जाए, फोन लाइन एंगेज न रहे और उनकी समस्याओं का समाधान हो सक पाए और वो लोग निश्चिंत हो सक पाए कि हाँ उनकी बात सुनी जा रही है। तो वार रूम के ऐसे कई काम है, बहुत रिस्की काम है, कई जगह जो किट्स वगैरह के भी, पीपी किट्स वगैरह की भी रिक्वायरमेंट आती है, तो हम वहाँ पे नोट करते हैं और हम उनको जो भी डॉक्टर से उन तक पहुंचाते हैं। कई बार लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं भी आती हैं कि हम इतने दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हमारा जो टेस्ट है वो निगेटिव निकला है और हम घर जाना चाहते हैं, हम किस प्रकार करें। जो भी ऑफिशियल उसके लिए डेडिकेटेड हैं, जो भी उसके लिए अधिकारी उसके नोडल ऑफिसर डेडिकेटेड हैं, उन नोडल ऑफिसर को हम उन्हें कनेक्ट करते हैं और वो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो इस प्रकार ये वार रूम मल्टी फेसेट है और डिफरेंट एक्टिविटीज है, कोई एक एक्टिविटी नहीं है। जहां भी हमें यदि आवश्यकता पड़ी वहां हमें झोंक दिया जाता है और वहां पे हम उस तरीके से हम अपने आप को झोंक देते हैं और पूरी सुरक्षा के साथ उस चीज का निस्तारण करते हैं, उस समस्या का समाधान करते हैं, उस टास्क को कंप्लीट करते हैं और फिर अगले टास्क की प्रतीक्षा करते हैं। जितेंद्र गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं, गुड इवनिंग सर, नमस्कार, आपको भी नमस्कार, सबको नमस्कार। लखन सिंह प्रजापत जुड़ चुके हैं, नमस्कार, आपको भी नमस्कार। तो यहाँ पे काफी लोग जुड़ रहे हैं, इसमें प्रवीण सहगल जुड़ चुके हैं, सभी समय निर्धारित, आप सभी का समय निर्धारित है क्या सर जी? नहीं भाई साहब, ये प्रश्न आपका बहुत बढ़िया प्रश्न, हमारा कोई समय निर्धारित नहीं है। जैसे टास्क पूरा हो गया तो समय आपका समाप्त हो गया, लेकिन जब तक टास्क चल रहा है आपको कोई ऐसा समय नहीं है कि आप कितने बजे पहुंचना है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, अब जो कलेक्टर हेल्पलाइन है तो वो 24/7 चल रही है, तो उसमें कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कलेक्टर हेल्पलाइन की जो मिडनाइट में जो कॉल्स आते थे, आधी रात में जो कॉल्स आते थे, वो हमारे मोबाइल फोन पे ट्रांसफर कर दिए जाते थे ताकि हम घर से भी लोगों को असिस्ट कर सक पाए। और कई बार तो कई कई रातों तक हमको सोना भी नहीं मिल पाया, हम नहीं सो पाए क्योंकि हमें उसमें लोगों को समस्याएं होते जा रही थी और फोन कॉल्स आए जा रहे थे। तो एक मनुष्य होने के नाते ये भी हमारा दायित्व है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, तो ये वाला भाव जो है उसको रखते हुए हम ये भी नहीं कर सकते थे कि अपने दायित्वों को भूल जाएं, अपने उत्तरदायित्वों को भूल जाएं और फोन को बंद कर दें और उनके कॉल को अटेंड न कर पाएं। तो मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो रात भर सो नहीं पाए, जिनको बहुत पीड़ा भी रही, अगले दिन भी समय पर जाना होता था, लेकिन उनको पीड़ा थी, लेकिन पीड़ा में आनंद जिसे मिले वो हम भाव को लेकर चल रहे थे। और इसमें राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र की रक्षा के लिए जो भाव है वो मन में भरा हुआ है, युवाओं में जो जोश और जवानी के की जो जोश है वो देखने को मिला है।
जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस स्वदेश के प्यार ने इन युवाओं को मोटिवेट किया है, प्रमोट किया है, और वह इस देश और समाज की सेवा करने के लिए, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इस वार रूम में जुड़े हुए हैं। निश्चित ही मैं आप सबके प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूँ। भाई श्री गोविंद सिंह बैस जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। आप भी राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगे रहते हैं और आपका मैं अक्सर आपके एक्टिविटीज को मैं देखता रहता हूँ। इस प्रकार काफी लोग इस समय जुड़ चुके हैं, समय का मुझे अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि कितना समय मेरे पास है। तो भाई श्री राकेश दांगी जी जुड़ चुके हैं, कवि, राष्ट्रवादी कवि, राष्ट्रीय कवि श्री राकेश दांगी जुड़ चुके हैं और पुनः और भारत माता की जय बोल रहे हैं। आपकी कविताओं में ही भारत माता की जय होता है और आप देर सवेर नहीं करते हैं और आप एक कविता लिख डालते हैं और वो आपकी कविताएं आए दिन हम लोग पढ़ते रहते हैं। सौरभ शर्मा जी का एक प्रश्न आया है कि सिलिकॉन सिटी के फील्ड सर्वे में जब एक परिवार की समस्या आई थी, क्या उनकी रिपोर्ट आ गई है? अब मैं इस प्रकार आपको ऐसे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे तो बहुत सारे रिपोर्ट आते रहते हैं और उनकी समस्या का समाधान निश्चित ही हो गया होगा अगर आपने मुझे बताया होगा और मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया होगा। हमने अधिकतर समस्याओं के समाधान कर दिए हैं, एक आध दो समस्याएं हैं जो पेंडिंग है, तो ऐसे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि प्रतिदिन अधिकतर समस्याएं आती हैं। तो निश्चित ही जो आपने मुझे डेटा दिया था मुझे याद है, उनकी समस्याओं का समाधान हम लोगों ने कर दिया था। डॉक्टर सचिन शर्मा सर का है कि आपने युवाओं के लिए बहुत बड़ा उदाहरण रखा, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं और कई लोग को प्रेरित कर रहे हैं और आपकी पूरी टीम हम सभी को गर्व है। यह सब आप सबकी प्रेरणा का ही परिणाम है और मैं ये मानता हूं कि ये जब तक वरिष्ठ जनों की प्रेरणा न हो साथ में और उनका आशीर्वाद न हो और उनके दिखाए मार्ग न हो तब तक हम कुछ नया नहीं कर सकते हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, मैं इसे नकार नहीं सकता हूँ। शिवा दांगी जुड़ चुके हैं, नमस्कार। सौरभ पारी सर का प्रश्न आ रहा है कि आप और आपके सभी साथी बहुत ही धन्य हैं जो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। निश्चित ही यह गर्व का विषय है, हमें हम दो रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं, हमें लगता है कि हम कोई देश और समाज के लिए सेवा कर रहे हैं और रोटी नहीं चावल भी खा लेते हैं। तो यह एक हास्य का विषय है कि हमें जब अगर हम जिस दिन सेवा करके आते हैं, कभी कभार ऐसा भी दिन आता है कि उस दिन कोई बहुत काम नहीं रहता है तो उस दिन हमें अच्छा नहीं लगता है और जिस दिन बहुत काम मिलता है हम थक जाते हैं, उस दिन हमें बहुत गर्व का विषय होता है कि आज हमने देश और समाज के लिए यह काम किया है और गौरवान्वित होते हैं। तो निश्चित ही एक सुखानुभूति होती है, एक अनुभूति होती है कि राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए हम कहीं अपनी सेवाएं दे सक पा रहे हैं और इस समय महामारी के समय जब हर कोई बचना चाह रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहा है, मास्क लगा रहा है, हैंड ग्लव्स पहन रहा है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं होना चाह रहा है, किसी से मिलना नहीं चाह रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपने आप को सुरक्षित रखकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर सक पा रहे तो निश्चित ही यह गर्व का विषय है और माँ भारत भारती ने हमें यह अवसर दिया है, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। लखन सिंह प्रजापत जी का आया है प्रश्न, सर जी कोविड-19 जिसने कि विश्वव्यापी महामारी का रूप ले लिया है, इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन की तैयारी चल रही है या ट्रायल मोड में है, आने की संभावना? निश्चित ही सरकार इसमें पूरी प्रयास कर रही है, वैक्सीन बनने में समय लगता है, 18 महीने तक लग सकते हैं ऐसा सुनने में आया है। जैसे कि हमें इस बीच में जो हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी सरकार ने हमें निर्देश दिए हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें जब तक कि नई वैक्सीन नहीं आती है, नया टीका नहीं आ जाता है, तब तक हम अपने आप को सुरक्षित रखें और भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में न जाएं, ग्लव्स पहनें और अपने आप को अपने मास्क लगाया करें। तो जो भी अपनी सुरक्षा है, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करें और अपने आप को मजबूत रखें। और जो भी च्यवनप्राश वगैरह हैं, जो ऐसी जड़ी बूटियां हैं या आप गिलोय जैसे जो है धातु है पदार्थ है गिलोय का आप सेवन कर सकते हैं। तो ये आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना चाहिए, महामारी तभी जाके जब वैक्सीन बनेगा तो हम देखेंगे, लेकिन अभी तक तो सरकार की तैयारियां चल रही हैं, वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न आदिश टोंगिया जी का है, इंदौर में स्वच्छता अभियान से लेकर कोरोना महामारी तक आप हमेशा राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे हैं, इस तरह का प्रेरणा कार्य करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? निश्चित ही मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूं और यह आप भी जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं अपने आप को स्वयंसेवक बाल स्वयंसेवक हूं मैं और प्राथमिक वर्ष शिक्षित हूं। तो यह शिक्षा वहीं से मिल गई थी कि यह जीवन जो है वो राष्ट्र के लिए है और देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, यह जो संघ गीत है इसको धारण कर लिया है और युवाओं को भी इसी के साथ प्रेरित करता रहता हूं और शिक्षक होने के नाते यह मेरा दायित्व है। निश्चित ही इसमें मैं सफल रहा हूं, मैं अपने आप को सफल मानता हूं कि मैं युवाओं तक पहुंच पाता हूं और देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये सांस हो पुण्य भूमि के लिए। तो इस ध्येय वाक्य को साथ में रखते हुए स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आदर्शों और मार्गदर्शन पे मैं यह काम कर सक पाता हूं, यह मेरे लिए गर्व का विषय है। मैं यह मानता हूं कि माँ भारत भारती ने मुझे यह सुअवसर दिया है और अगर इसमें मैं अपनी ओर से कुछ अगर अपनी आहुति दे सक पाता हूं
तो यह मेरे लिए गर्व का विषय है। निश्चित ही मैं अपने मातृ संगठन को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। लखन सिंह प्रजापत जी का आ रहा है कि आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे वरिष्ठ डॉक्टर सचिन शर्मा जी का, श्री डॉक्टर जितेंद्र तलरेजा जी का, डॉक्टर सौरभ पारिख सर का, और भाई श्री कवि श्री राकेश दांगी जी का, राष्ट्रीय कवि श्री राकेश दांगी जी का, जिन्होंने अपने फेसबुक पेज पर मुझे यह विषय रखने का अवसर दिया। और निश्चित ही मैं अपने विषय को अभी तक पूर्ण कर चुका हूँ जितना विषय मुझे रखना चाहिए था, और आगे जैसे ही आपकी ओर से आदेश होगा मैं उसे पूर्ण करना चाहूँगा। मैं श्री राकेश दांगी जी से एक मैसेज चाहूँगा कि अगर वो इसमें लिख सक पाएँ कि हम इस लाइव को अब ख़त्म कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं, तो निश्चित ही मैं इसको। डॉक्टर मनीष दुबे सर जुड़ चुके हैं हमारे महानगर के अधिकारी, आपका सादर प्रणाम सर, धन्यवाद कि आप जुड़े। यज्ञेश यादव जुड़ चुके हैं, ये भी हमारे कार्यकर्ता हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, आपका भी स्वागत है। मेरी ओर से जो था मैंने आपको विषय रख दिया है, और बाकी जो भाई श्री कवि श्री राकेश दांगी जी बताएंगे उसके अनुसार मैं अपने विषय को समाप्त करूंगा। विवेक शर्मा जी का रहे उत्तम सर, धन्यवाद। मेरे खिताब में मुझे लगता है कि मैं मेरा विषय पूर्ण हो चुका है, समय भी पूर्ण हो चुका है। आप सबको ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप भी जहां से आपको हो सक पाए सेवा अवश्य दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई अभी थोड़ी लंबी चलेगी ऐसा लग रहा है। तो हम सबको अपनी ओर से जितना भी हम कर सक पाएं वो करें, और स्वयं को सुरक्षित रखें, स्वयं को सुरक्षित रहकर आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें, और उन तक यह जो भी संदेश है, जो शासन ने संदेश दे रखे हैं कि हमको स्वच्छता को बरकरार रखना है और मास्क को पहनना है और हैंड सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोना या साबुन से हाथ धोना है बार बार, तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शासन के द्वारा जो भी चीज़ें हमको बताई जाती हैं उन सबका हम अक्षरशः पालन करें। निश्चित ही इंदौर जीतेगा और कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। एक बार फिर मैं अपनी टीम के सभी सदस्यों का धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग के बिना यह कर सक पाना संभव नहीं था, और हम अभी भी आप सबके सहयोग की आकांक्षा रखते हैं और आप सबका सपोर्ट हमको मिल भी रहा है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ जनों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबके प्रेरणा, आप सबके मार्गदर्शन, आप सबने अवसर दिया जिसकी वजह से हम माँ भारत भारती की सेवा करने में तत्पर हो सक पा रहे हैं, तो आप सबका भी हृदय से धन्यवाद। भाई अंततः भाई श्री कवि श्री राकेश दांगी जी, जिन्होंने अपने फेसबुक पेज से मुझे लाइव करने का या मुझे अवसर दिया और मुझे विषय रखने के लिए कहा ताकि मैं युवाओं तक पहुंच पाऊँ, और कोविड वार रूम इंदौर किस प्रकार से राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए काम कर रहा है, इंदौर की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, उस विषय पर अपने विचार रख सक पाऊँ। निश्चित ही मैंने अपने विचार रखे होंगे और आप तक पहुंचे होंगे। पुनः आप सबको एक बार धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।